मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में सफेद सोना कही जाने वाली कपास उपज बेचने के लिए फिलहाल किसान परेशान हो रहे हैं। मंडियों में मां व्यापारियों ने अब तक कपास खरीदी के लिए हामी नहीं भरी है, तो वहीं सीसीआई ने अब तक खरीदी के लिए प्रक्रिया भी शुरू नहीं की। मजबूरी में किसानों ने कपास को स्टॉक कर रखा है। इसे खरीदने के लिए बिचौलिए सक्रिय हो चुके हैं। बिचौलिए गांव में पहुंचकर कम दाम पर किसानों से कपास खरीद रहे हैं। कपास खरीदी के लिए पिछले 3 साल से मंडी में काफी परेशानी हो रही है। दरअसल जीनिंग इकाइयों के बंद होने और सीसीआई द्वारा जिले में कपास खरीदी में ज्यादा रुचि नहीं लेने के कारण व्यापारी भी कपास खरीदी के लिए हामी नहीं भर रहे और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जिले में करीब 42,000 हेक्टेयर में कपास का रकबा है। खेतों से कपास निकला शुरू हो गया है, लेकिन खरीदार नहीं होने से किसानों को कपास स्टॉक कर रखना पड़ रहा है। हालांकि वे ज्यादा समय तक कपास को स्टॉक नहीं रख सकते। दरअसल खराब मौसम के कारण पहले ही कपास की क्वालिटी प्रभावित हो चुकी है। वहीं शहर में 2 जीनिंग इकाइयां हैं जो फिलहाल बंद है। ऐसे में किसान उपज बेचने को लेकर काफी परेशान है। इसी का फायदा उठाकर गाँव के बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं और 4,000 से लेकर 6,000 प्रति क्विंटल के भाव से कपास की खरीदी किसानों से कर रहे हैं और किसानों को मजबूर होकर इन भाव में कपास बेचना पड़ रहा है। जिले में जल्द कपास खरीदी अगर शुरू नहीं हुई तो किसानों को मजबूरन दूसरे जिलों में या फिर बिचौलियों को कपास बेचनी पड़ेगी। वहीं सीसीआई ऑटोमेटिक मशीनों वाली जीनिंग फैक्ट्रियों से ही कपास खरीदने के लिए अनुबंध करती है। करीब 2 साल पहले से ये शर्त लागू की गई है। इसके पहले ऐसा नहीं था। शहर में 2 ही जीनिंग इकाइयां बची हैं। इनमें आधुनिक मशीनों की कमी है, इस कारण यहां खरीद के लिए सीसीआई सीधे अनुबंध नहीं कर रही। मंडी में नीलाम नहीं होने पर किसान सीधे जीनिंग इकाइयों से ही कपास बेचने के लिए अब संपर्क करने लगे हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश की मंडियों में किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।